उत्तर प्रदेश में छठे चरण के 4 मार्च को होने वाले चुनाव प्रचार अंतिम रूप में है। उसी के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हाल ही में बलिया में पहुंचते ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर बरसते दिखे। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल माँ से तो अखिलेश अपने पिता से परेशान है। इतना ही नहीं, इस दंगल से यूपी भी बहुत परेशान है। अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी रूपी ट्रांसफॉर्मर को भी बदलना होगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अमित शाह ने। एक बहुत बड़ा बिजली का कारखाना हो, बिजली बनाता हो, बड़े बड़े एचसी लाइन से गांव के ऊपर से बिजली पसार होती हो, ट्रांसफॉर्मर ना हो तो आपके गांव में और घर में बिजली आएगी क्या? बताओ भाई, ट्रांसफॉर्मर चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? मित्रों, ये यूपी सरकार नाम का एक ट्रांसफॉर्मर है लखनऊ में, वो जल गया है। आप मुझे बताओ, ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो क्या करते हैं भाई? बदल लेना चाहिए। राइट पीछे वाले बोले क्या करते हैं? नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए बलिया से आबिद अली की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।